Hello students, welcome to the 76th class on current affairs. For 2019 prelims and mains. In this class, I will be basically dealing with India and Shanghai Cooperation Organization. Now in this class, I will be dealing with benefits that India would derive out of the Shanghai Cooperation Organization. Secondly, I will be dealing with India and Pakistan dispute resolution. Thirdly, I will be dealing with China and Russia's relationship in Shanghai Cooperation Organization. And then I will be dealing with India and Pakistan's relationship in Shanghai Cooperation Organization. So, these are all topics we will discuss. Now, when it comes to Shanghai Cooperation Organization, the beginning of this organization took place in year 1996. 1996 mein Shanghai Cooperation Organization ka development shuru ho gaya. Now, Shanghai Cooperation Organization mein kaun-kaun sa country hai? We have Kazakhstan, we have Kyrgyzstan, we have Tajikistan, we have Uzbekistan, we have China, we have Russia, we have India, we have Pakistan. तो इतना देश है बेसिकली शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है. एक चीज याद रख लीजिए, सारा इजी हो जाएगा. काफी स्थान है यहां पे, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, चाइना है, रशिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है. कीप दिस थिंग इन माइंड. 1996 में इसका डेवलपमेंट होना शुरू हो गया शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का. तो प्राइमरली शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट क्यों शुरू हुआ? And the reason for that was, जितना भी ये देश है, मैंने आपको बताया, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, ये सब countries, basically US, रशिया से टूटे हुए देश हैं सारे. And US के दबाव के अंडर ही disintegration हुआ था USSR का. अपना भी internal region था, external region US का भी था. तो ये देश कहीं ना कहीं west अलाइनमेंट इन देशों का ना हो जाए, इसीलिए शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था. अनदर रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज टू फाइट इंटरनल टेररिज्म इन द कंट्रीज ऑफ चाइना एंड रशिया. अगर आप रशिया में देखते हैं, रशिया में भी एक मूवमेंट चल रहा है. चेचन्या रीजन है रशिया का, चेचन्या, जहां पे एक इंटरनल मूवमेंट चल रहा है. जिस तरह से नक्सलाइट्स हिंदुस्तानी सरकार के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, वहां पे चेचन्या का मूवमेंट है. रशिया में भी जिनजियांग रीजन है जहां पे मूवमेंट चल रहा है अगेंस्ट चाइना. तो टेररिस्ट एक्टिविटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही टेररिस्ट एक्टिविटी हो रहा है इंडिया के अगेंस्ट, बट इवन इन द कंट्रीज लाइक रशिया एंड चाइना वी सी दैट द टेररिस्ट एक्टिविटी इज अनफोल्डिंग. सो ऑल दीज कंट्रीज, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरली वॉज created to counter West. Secondly, it was created to counter terrorism. So these are the two important reasons why this Shanghai Cooperation Organization primarily came into being. Iska janam kyun hua? Now, when the Shanghai Cooperation Organization was formed in the year 1996, us time pe Uzbekistan member nahi tha. Baad mein Uzbekistan member bana. तो इसका नाम भी चेंज कर दिया, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गया 2001 में. तो प्राइमरली इसका जो जन्म हुआ है एससीओ का, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्ग 2001 में हुआ है. एंड इंडिया का मेंबरशिप अभी दो साल पहले ही हमें इंडिया को मेंबर बनाया गया है. इंडिया भी मेंबर नहीं था इसका पहले, और पाकिस्तान भी इसका मेंबर नहीं था. इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों इसका मेंबर बन गए. तो इंडिया क्यों इसका मेंबर बनना चाहता था शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का? सी, व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया के ऊपर बहुत सारा टेररिस्ट अटैक हुआ है. हमारा एक टेररिस्ट अटैक 2001 में हुआ जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ, 2008 में भी अटैक हुआ जब मुंबई के में हमला किया गया, दिल्ली में हमला किया गया, कसाब यहां पे हमला करने, अब काफी टेररिस्ट यहां पे हमला करने आए. नाउ इंडिया चाहता है कि कहीं ना कहीं टेररिज्म से फाइट किया जाए, और शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है RATS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और रेट्स में क्या है, जितना भी देश है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है, चाइना है, ये आपस में इंटेलिजेंस शेयर करता रहता है.
And by that intelligence, they actually, all these countries, they are able to keep the activities of the secessionists operating in Chechnya and then the Xinjiang region of China. And they are able to restrict and contain the secessionist activity unfolding in these countries. So India was also expecting that Shanghai Cooperation Organization will help India to fight terrorism by sharing this sophisticated intelligence with respect to Al-Qaeda and with respect to the ultras operating from Pakistan against India. So India ka basically interest, this was the interest. Another interest was ki jitna bhi Central Asian countries hai, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, unse India ko assist mil jayega. Because dono ka ek complementary relation ban sakta hai. The reason for that is these countries, they are landlocked countries and they want to trade, and India is an energy deficient country. We want to have access to hydrocarbons, and these countries are very rich in hydrocarbons. But when it comes to terrorism, now this is a very important story. Now when it comes to terrorism, these countries, Shanghai Cooperation Organization countries, they don't define terrorism. But what they define is terrorism only with respect to within terrorism. Now what it means? वो आउटसाइड टेररिज्म को डिफाइन नहीं करते हैं, सिर्फ विद इन टेररिज्म को डिफाइन करते हैं. अगर आप आपके देश में कोई सेसेशनिस्ट मूवमेंट चल रहा है, उसको किस तरह से कंटेन करना है, तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसको डिफाइन करेगा. शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सटर्नल टेररिज्म एक्टिविटी हो रहा है आपके देश के खिलाफ, उसको डिफाइन नहीं करेगा. सो दे विल नॉट बी डिफाइनिंग द टेररिस्ट एक्टिविटी. अगर अलकायदा आपको अटैक कर रहा है, उसको वो डिफाइन नहीं करेगा. सो इंडिया को जो बेनिफिट होना था टेररिज्म एक्टिविटी से, वो बेसिकली नहीं हुआ है. बिकॉज दे डोंट कंसिडर द अलकायदा अटैकिंग इंडिया, द अटैक ऑन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द अटैक ऑन बॉम्बे इन इंडिया इन 2008 टू बी अ टेररिस्ट एक्टिविटी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मोर ओवर, आज की डेट में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को असिस्ट तो दे दिया है, बट साथ में हमारा दुश्मन भी हमारे साथ में चला गया, दैट इज पाकिस्तान. And that is one of the reason why this grouping, जिससे हमें बहुत सारा एक उम्मीद था कि that we will be able to derive lot out of it, वो आज की डेट में that has been voted down. So another thing is that the China and Russian rivalry. Now both the countries are basically the communist countries. Russia don't want China to see China to grow, and China don't want Russia to grow. And because of that, this Shanghai Cooperation Organization, though it holds a lot of promises and it had delivered in the past, but for the time being, it is a very difficult situation for Shanghai Cooperation Organization to provide some substantive result in the future. So, abhi bahut mushkil hai Shanghai Cooperation Organization ke liye. Chaliye, this was all for this class. In case you have any sort of doubt on this class and you want to read the text on it, you can visit the website brainyias.com. और mains में अच्छा answer लिखने के लिए आप हमारा test series join कीजिए. उस test series में GS में 12 test होंगे. हर एक answer आपका proper ढंग से evaluate किया जाएगा. किस तरह से आपको improve करना है answer writing को, उसके बारे में आपको proper guidance दिया जाएगा. क्या-क्या sources पढ़ने हैं वो दिया जाएगा. ये main मकसद रहता है coaching का. Coaching is not about to complete the syllabus. सबसे important चीज़ तो this exam में competition है, and इसको crack करने के लिए we need to actually really hone our writing skills, and you must join that test series. 12 test हैं, you can visit the website. अगर आपको कोई भी doubt हो इस class में, you can contact my team at 84594000. Bye bye, take care, have a nice day.